बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों और जितने भी मेरे देशवासी मेरी वीडियो देखते हैं। अब अयोध्या में श्री राम जी आ गए हैं, दोबारा राम जी के मंदिर की स्थापना हो गई है वहाँ पर। और यदि आप चाहते हैं कि राम राज्य आए तो राम राज्य आपको जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। तो पहले तो आपको सभी को वहाँ राम जी के आगमन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और दोस्तों, अब राम जी का बोलते हैं कि राम राज्य आ गया, तो राम राज्य आ गया तो राम जी के जो राज्य में अपराध करेगा उसको दंड भी मिलेगा। जो राम जी के राज्य में होकर, राम जी के राज्य में होकर जो भी गलत काम करेगा उसको भी दंड मिलेगा। तो सबसे पहले जो है ना, यदि जो राम जी का आपको जयकारा लगाना है, राम जी को राम राम करनी है, राम जी का अनुसरण करना है, यदि राम जी को जय श्री राम बोलना है तो राम जी के आदर्श पे चलना भी पड़ेगा। क्योंकि राम जी जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, वो सदैव मर्यादा में रहे और उन्होंने कभी भी किसी को अहंकार नहीं किया, ना किसी को कभी गलत बोला। हर छोटे से छोटे आदमी को, इंसान को अपने साथ गले लगाया। तो आपको भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो राम जी की महिमा गाने लग जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी और ना जाने कितने दिन लग जाएंगे, हम तो गा ही नहीं सकते। फिर भी उनके जो छोटे छोटे जो उनके राम जी के परिवार के हैं उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे राजा दशरथ जी थे, जब राम जी की शादी हुई ना, तो राजा दशरथ जी जब पहले माता सीता के पिताजी से मिले, राजा जनक से, तो राजा दशरथ ने एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी राजा जनक को प्रणाम किया मस्तक टेका उनके आगे। तो राजा जनक जी बोलने लगे, ये आप क्या कर रहे हो, भी आप तो लड़के वाले हो, हम लड़की वाले हैं, हमारा काम है। तो राजा दशरथ ने कहा था, आपने अपनी लड़की को बड़ा करा, पाला पोसा और हमारे घर में हमारा कुल आगे चलाने के लिए भेजा, तो आपको हम नमस्कार करेंगे, आप नमस्कार ना, हमको ना करो। और आज यहाँ उल्टा जमाना हो गया, लोग लड़की वालों को गालियाँ देते हैं, लड़की वालों की लड़की भी ले लेते हैं, लड़की वालों का दहेज भी ले लेते हैं, सारा कुछ लेके और उनको अहंकार से बोलते हैं। तो आज से बात त्यागनी पड़ेगी, सभी को राजा दशरथ की तरह अपने जो लड़की वाले हैं उनको सबसे पहले आपको राम राम करनी, उनको आपको नमस्कार करना, आपको अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे राम जी हर बंदे से, हर छोटे से छोटे बंदे से मिलते थे, चाहे कोई वो नौका चलाने वाला हो, चाहे कोई वो उनका कोई भी काम करने वाला हो, ये मत सोचो कि आपने पैसे देके आप किसी से काम करवा रहे। मंडी में चाहे कोई पल्लेदार है, रेडी रिक्शा वाला है, ठेले वाला है, कोई बस वाला है, ऑटो रिक्शा वाला है, जो भी आपका काम कर रहा, चाहे वो पैसे लेके काम कर रहा, तो आपको उसको नमस्कार करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा। पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है, यदि आप दूसरे को सम्मान देंगे तो आपका अपने आप ही ऑटोमेटिक नाम ऊंचा हो जाएगा। तो राम जी के जो चरित्र को अपने जीवन में जाओ, ये नहीं है कि राम जी का मंदिर बन गया और वहां जयकारे लगा रहे और यहां जयकारे ला रहे झूठे। तो जो राम जी का अनुसरण करो, राम जी जिस पर कृपा कर देते हैं उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पैसा तो अपने आप आ जाएगा, प्रसिद्धि अपने आप आ जाएगी, अपने आप ही वो पूरे में फेमस हो जाएगा। राम जी से बड़ा कुछ नहीं है। और जो विरोध करने वाले हैं और चीजों पर विरोध करो, राम जी के नाम पे जय। तो राम जी के मंदिर पे विरोध ना करो, राम जी के भक्तों पे विरोध ना करो, और बतेरे मामले हैं किसी की टांग खींचने के लिए, और मामलों में टांग खींचो। जिन्होंने राम मंदिर बनाया, जिन्होंने राम जी को वहां स्थापित किया, इस मामले को छोड़कर और बतेरी चीजें हैं उन पे विरोध करो। नहीं, जिन्होंने राम जी का विरोध किया, पुल मिट गए, पीढ़ियां मिट गई, उनका नामो निशान मिट गया, पानी तक नहीं देने वाला रहा कोई, तो और मामले में आप विरोध करो, इस मामले को छोड़कर उसमें करो। और जितने भी साधु महात्मा बाबे हैं जो भी कुछ गलत बोल रहे हैं राम मंदिर के लिए बोल रहे, जो दूसरी उनके साथ लगकर बोल रहे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है ऐसे ना बोलो। क्योंकि राम जी ने स्वयं, जो कुछ बोलते हैं कि राम जी का मंदिर नहीं बना अभी, तो राम जी का शिखर नहीं बना, ये नहीं बना, कम से कम राम जी आए तो टेंट में कितनी बुरी हालत थी वहां पर, टेंट से अपने मंदिर में तो आए। और जो सबसे पहले जो स्थापना करी राम जी ने स्वयं मट्टी से रामेश्वरम में, रेते से मट्टी से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करी, और तब जो है रावण को मारने के लिए लंका समुद्र पार करके चल दिए। तो मंदिर तो बाद में बना, पहले तो राम जी ने खाली स्वयं वहां पर रामेश्वरम बनाया, अपने हाथों से शिवलिंग बनाया, मंदिर तो बाद में बना। तो ये ना सोचो कि अधूर है, वो पूरा है, क्योंकि राम ही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, उसके बाकी सब मिथ्या है। तो यदि ये छोटी छोटी बातें, चाहे कोई भी धर्म का बंदा हो, कोई भी जाति का बंदा हो, सबको राम का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि पुत्र वही है जो अपने पिता से पिता की मन की बात को जाने। राजा दशरथ ने राम जी को ये नहीं कहा था कि तू वनवास में जा,
सिर्फ राम जी ने पूछा था कि बात क्यों इधर में बात झगड़ा किस चीज से हुआ, तो उन्होंने बताया कि इस चीज से झगड़ा हुआ है। तो राम जी ने तुरंत ही राजपाट चक्रवर्ती सम्राटों ने जा रहे थे तुरंत छोड़ के जो है वन में चले गए। इसलिए जितने भी नौजवान लड़के हैं अपने पिता के मन की बात को जानो कि आपका पिता क्या कह रहा, आपके पिता के मन में क्या है। ये नहीं आपका पिता कहेगा और आप ना करोगे उसको, तो अपने बाप की माता पिता की बात को मानो। और भाई बनो तो भरत जैसे, जब उनको सारा कुछ दे दिया वो चक्रवर्ती सम्राट बना रहे थे, उन्होंने कहा मुझे तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, जब मेरा भाई वन में है तो मैं भी वैसे ही साधे कपड़े पहनूंगा। सबसे बड़े तपस्वी जो है भरत जी हुए, तो उन्होंने जो है सारा, जब तक 14 वर्ष राम जी वनवास में रहे तो वो भी 14 वर्ष जैसे राम जी वनवास में रहते थे वैसे ही धरती पे सोते थे, वैसे ही कुटिया में रहते थे महल को त्याग कर, और राम जी की अयोध्या की सेवा की। भरत हो तो भाई हो तो राम जी जैसा, भरत जैसा। तो ये छोटे छोटे प्रसंग है राम जी के जीवन से, राम जी के परिवार के जीवन से सबको सीखने को मिलता है। यदि जो आप कोई भी धर्म जाति का बंदो हो राम जी का अनुसरण करें, आज दे तो झगड़े मिट जाए, कोर्ट बंद हो जाए, दिल्ली में सारे ही मामले, पूरे हिंदुस्तान में मामले भाइयों के झगड़े के कोर्टों में हो रहे, परिवार की संपत्ति के लिए हो रहे। राम जी ने सारा कुछ त्याग दिया, भरत जी ने त्याग दिया, उनसे सीखो, बहुत कुछ सीखने को है। तो राम जी का अनुसरण करो, जैसे राम जी हर बंदे को गले लगाते थे, छोटे छोटे बंदे को अपने गले लगाते थे और जो उनका कोई भी काम करता था उसके आगे नतमस्तक होकर सबको प्रणाम करते थे। ये राम जी के जीवन की बातें हैं। तो बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की जय सीताराम। दोस्तों आज 24 जनवरी 2024 दिन बुधवार, दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फलों का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अंगूर की, चलिए जान लेंगे अंगूर मंडी का आज का क्या बाजार है जी, मंडी में कितनी गाड़ियां, आज के कैसे बाजार चले, बिक्री कैसी चली। ये है दोस्तों 7 नंबर सेट, जहाँ पर 7 नंबर सेट में सारे में अंगूर बिकते हैं। दोस्तों जैसा जिसकी दुकान पे अंगूर, जैसा खेत में जैसे अलग अलग खेतों का टमाटर होता है, ऐसे ही जो है अंगूर की वैरायटी होती है। जिसकी खेत की जैसी कैपेसिटी है, जैसी मिट्टी है, उसका उसी हिसाब से अंगूर आएगा और अलग अलग आड़तियों पे सबका आप अपने हिसाब से बिकता है। ये तो एक सिर्फ अंदाजा सा होता है छोटा मोटा। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला जी, ललित भाई साहब के पास कहाँ कहाँ के माल आए जी, कैसी वैरायटी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, क्या नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। कितनी ग्रेड बच्ची है उसमें बेटा, कैसे हो भाई साहब जी? बढ़िया जी, राम राम जी, राम राम जी। भाई साहब जी, भाई साहब तो बहुत आज आप बड़े चिकने हो, क्या हो चक्कर क्या है भाई साहब, ऐसे ही घूम रहे जी, चिकने क्या जी? ना बिल्कुल शेव, आज 10 रुपए दे दिए नाई को दाढ़ी बनवाई जी आज। अब 10 रुपए के कौन से नाई मिलते हैं आप हमारे को भी बता दो। मंडी में बतेरे बैठे जी, वैसे आप जाते हैं कुर्सी वाले पे, हम ईट पे बैठ के बना देना जी, जोन सूसी पे बनवा ले। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। भाई साहब भी बहुत मान लेते हैं जी, और वीआईपी मान लेते हैं जी सारा जी, और यही मिलेंगे भाई हमारे। अच्छा जी, अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज भी यही मिलेगा, एक वो हमारा चिकना सा लौंडा, इसकी शादी करानी है। अच्छा जी, अच्छा, इसकी पर है सिंधी, पर सिंधी लड़की चाहिए हमारे। अच्छा जी, अच्छा। तो आज गाड़ियां रिश्ते आ जाए हमारे लिए। गाड़ियां कितनी हो रही भाई साहब जी? गाड़ियों कोई आइडिया नहीं होगी, 45-50 के गेड़े में होंगी, 45-50 के गेड़े में जी। हाँ जी, तो कल से माल कम है ज्यादा जी? कल से ज्यादा। अच्छा जी, अब 2 दिन मंडी बंद है, कल और परसों हमारी। कल को क्यों बंद है जी? ऐसे ही लोड ज्यादा आ रहा है, तो आज के माल थोड़े जो किसी के बच बचा जाएंगे वो कल बेच लेंगे भी। परसों की 26 जनवरी होगी जी, 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 वो परेड करेंगे जी। अच्छा जी, अच्छा। तो आज के बाजार कैसे चल रहे जी भाई साहब जी? भैया नॉर्मल एक रेंज चल रही है, अब जैसे ये माल है 450 से 500, 450 से 500 रुपए 9 किलो का जी। हाँ जी, 9 किलो। अच्छा जी, ये वाले जो हरे माल है भैया, हाँ जी, ये 350 से 380। अच्छा जी, अच्छा। और इसके अलावा जी, जो इसमें नासिक के गोल का रेट बताओ जी। नासिक का गोल नहीं आ रहा भैया, 250 से लेके 350। नासिक का गोल, ये अपना अंगूर जी। और जी इसमें बताओ जी सब के रेट जी। ये काले भैया बिक रहे हैं जो, इनके रेट हैं 500 रुपए से लेके 650 रुपए। 500 से 650 रुपए, बढ़िया माल है तो 700 साढ़े 700 रुपए। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। और जो इसमें थोड़ा लाल कलर पे है जी, ये वो उसी में आ जाते हैं 450-500 सब उसी में आ जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा जी। यो क्या जी, मेला सोना? वो व्यापारियों के मार्केट लगे होते। और ये क्या है, नाम पढ़ो। अच्छा जी, अच्छा, क्या नाम था? सकीना कली। सकीना काली। सकीना काली, अच्छा जी। और ये मिलना सोना जी, गया फिर से देखो अभी तो मेरे। कुल कुल मिला के बाजार कैसे चल रहे जी? बाजार सुस्ती है पर ग्राहकी है, आज माल बिक रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी है अभी। अच्छा जी, हाँ जी, 2 दिन की छुट्टी है, माल तो डेली बिक जाता है, थोड़ा कम बिके थोड़ा ज्यादा बिके भैया। अच्छा जी, हाँ जी, बिक्री बढ़िया चल रही जी भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिक्री बढ़िया चल रही है पर व्यापारियों के पैसे नहीं बन रहे भैया। अच्छा जी, क्या कारण है? कारण भैया अभी माल ज्यादा मीठे नहीं हुए पूरे।
अच्छा जी, मीठे हैं पर वो एकदम पीले मीठे नहीं, और सबसे बड़ी बात है चलो अंगूर तो मीठे हैं, काले तो पूरे मीठे हैं, मौसम देखो ना भैया। अच्छा जी, 11:30 बज रहे हैं और अभी तक सूरज देवता प्रसन्न नहीं है हमारे। ना जी, धूंध आ रही जी बाहर बहुत, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सुबह 6 बजे हुए हैं भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसीलिए भैया। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर भैया, ये भैया TNS 1420, और मोबाइल नंबर जी 9811-0530, मोबाइल नंबर है, मेरा नाम ललित आनंद है। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी। आपकी सप्लाई कहाँ जाती है जी? और सर हमारी हरियाणा राजस्थान जाती है। हरियाणा राजस्थान जी, तो आप मंडी से रेवाड़ी से लेके आगे तक जाती है सिंगाना तक। अच्छा जी, और इधर से भिवाड़ी से लेके आगे अलवर तक जाती है। तो आप यहाँ से खरीद के सारे में सप्लाई करते हैं? खरीद के हमारी कमीशन होती है 4% की। अच्छा जी, लेते हैं और आगे जिसकी जैसे डिमांड होती है उसके हिसाब से। तो खाली अंगूर या सारे फ्रूट बेचते हैं? हर ऑर्डर सप्लाई है। जो आपकी बड़ी दुकान है अपनी भी है जी? दो दुकान है आपकी? दुकान अपनी है जी, दो ब्लॉक में चार दुकान है अपनी हमारी, बी ब्लॉक में। अच्छा जी, पर आप ये सारा ट्रेडिंग का काम है हमारा, जो ऑर्डर का काम होता है हम वो आइटम लेते हैं और वो अपनी कमीशन करके आगे देते हैं। अच्छा जी, तो भाई साहब एक बार क्वालिटी हमारे पास टॉप। एक बार अपना नाम क्या जी? अपना हमारा तुषार नाम है, तुषार NHS के नाम से हमारी फर्म है, और B881-B196 हमारी दुकान नंबर है। और आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 9711-55-7119। दोबारा बोल दो जी, 9711-55-7119। तो कितना माल बेचते हो जी आप ज्यादा से ज्यादा? कितना ऑर्डर होता है किसी का? 2-3 क्विंटल होता है, किसी की गाड़ी गाड़ी होती है, बस सिर्फ बेच तो बाहर के लिए। ठीक है दोस्तों, जान लेंगे दिल्ली जादवपुर मंडी में आज का अनार का क्या बाजार चला। दोस्तों अभी तो 12 बज गए, देखो 12 बज गए और लेट हो गया जी। चलिए जान लेंगे आज की कैसी पोजीशन है जी। अरे वाह, बढ़िया वाला, बहुत बढ़िया जी। नमस्कार भाऊ जी। नमस्कार राणा साहब, क्या हाल है? अब न कहियो लेट हो गया जी, लेट तो हो ही गया जी। लेट हो गया, हमारा जाने का टाइम है, आपका आने का टाइम 12 बज गए जी। आपकी 100 रुपए वाली घड़ी पे जी देखो जी। हाँ अच्छा जी, तो आज गाड़ियां ज्यादा हैं जी या कम है जी? राणा साहब 100 रुपए वाली घड़ी लोग कहते हैं, हमारे को भी ला दो, कहाँ से लाए? 100 की भी ला दी ऐसी हो। डिब्बे 100 रुपए की घड़ी है राणा साहब, 100 रुपए बोलते हो आप यार। अच्छा जी अच्छा, आज गाड़ियां कितनी आ रही है? गाड़ियां कम होगी राणा साहब, 12-13 गाड़ी है टोटल। सिर्फ 12-13 गाड़ी? हाँ। अच्छा जी, पीछे तेजी बहुत है, यहाँ बाजार में दम नहीं है राणा साहब। अच्छा जी, यहाँ ठंडा है, अकेला देख लेते हैं तो माल अभी कम ही आएगा जी? ऐसे ऐसे ही रहेगा राणा साहब, कम हो गया माल पीछे अभी। अच्छा जी, अभी भुज का इलाका अभी शुरू होने में 15-20 दिन है। ये कहाँ वाले माल है जी? ये राजस्थान है। तो राजस्थान के आज माल कहाँ से कहाँ तक चले जी? राणा साहब बढ़िया माल, इतना बढ़िया थे नहीं, बढ़िया माल होगा तो 1000 रुपए तक रेट है। अच्छा जी, नहीं नीचे से रेट बता दो ना जी, कहाँ से शुरुआत है? 400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक रेट है, बहुत बढ़िया तो 1200-1300 भी रेट है ये राजस्थान के। हाँ। और जो महाराष्ट्र वाले जी अपने? महाराष्ट्र वाला कम आ रहा है। अच्छा जी, 650 तक बिके हैं, वो भी इतने बढ़िया नहीं थे, ठीक ठीक थे। और कई दिन पहले आपके पास वो दोबारा आया था जी, वो महाराष्ट्र के नार दोबारा आ गए थे पंढरपुर के? अभी ये लेट आ रहा था, अभी टाइम लगेगा उसको, वहाँ तेजी है, यहाँ पैसे बन नहीं रहे। अच्छा जी अच्छा, जब तक ये चलेगा उसके सामने अभी महाराष्ट्र नहीं बिकेगा इसके सामने। तो कुल मिला के पोजीशन ठीक है जी? वैसे ठीक है ना, बिकना चाहिए, माल माल कम हो गया ना इसलिए बिक रहा है। अच्छा जी, कुछ चीजों में तो बड़ी तेजी आई जी। किसमें? सब्जियों में, उधर और सौदों में जी। चलो बढ़िया राणा साहब, किसानों का फायदा हो रहा चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ जी, और यहाँ तो ठंडे बैठे हैं। चलो करो, बोल लीजिए। सब्जी बेच लो यार, अनार नहीं बेचना, क्या दिक्कत है? कुछ तो बेचना ही पड़ेगा बेटे, नहीं तो दूसरा धंधा करना। 850 है बेटे, 11 किलो है बेटे, 850 है, सबसे बढ़िया काट है बेटे, इस अनार की मजा आ जाएगा। दिखाना जी काट के जी। काट तो छोटा काटू? हाँ जी, बोल जो सा मर्जी काट लो ना, मजा आ जाएगा। क्या सिस्टम, अनार ही है खाने लायक राणा साहब। मीठा भी पूरा जी, बहुत बढ़िया, राजस्थान ने क्वालिटी बनाई है, महाराष्ट्र की इतनी सफाई नहीं थी लेकिन अच्छा राजस्थान ने क्वालिटी बनाई। कलर ज्यादा बढ़िया जी इनका, बहुत बढ़िया कीपिंग क्वालिटी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, वहाँ बहुत उल्टे सीधे रेट निकल रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ से, बाहर के लिए जा रहा है, दुबई जा रहा है, यहाँ क्या आएगा? अच्छा जी, 800 है बेटे, 600 भाई, 600 10 किलो के, 620 भाई, 30 भाई, 40 भाई, 40 भाई, 50 बेटे, 50 60 बेटे, 50 जाए, क्या हो गया यार, इतना बढ़िया अनार देख रहे हैं यार, 50 बांट दे यार। दो जी 650 रुपये में गया जी, 10 इधर कर दे, वजन 9 किलो जी, 10 उधर कर दे। धन्यवाद बाबू जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है जी, और ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी। लिए दोस्तों जान लेंगे, 16 नंबर सेड है दोस्तों, ये सारा 16 नंबर सेड है जहाँ पर अमरूद बिकता है, और दोपहर के समय लो बज गए अब 12:30,
चलिए जान लेंगे आज का क्या माहौल चला मंडी में, कितनी गाड़ियां आई, माल तो देखो क्लियर है आपके सामने, आज का कैसा बाजार चला अमरूद का, कितनी गाड़ियां आई, कहां कहां के रेट है। मोनू भाई साहब से नमस्कार, भाई साहब जी नमस्कार। आना जी मोनू भाई साहब जी कैसे हो जी, सोनू जी भाई साहब जी, कितनी गाड़ियां आ रही मार्केट में, कैसे बजा? आज तो कोई गाड़ी नहीं थी रतलाम से, रतलाम की कोई गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ ये हिमनूर था हिमाचल वाला। ये कौन सी जगह का? हिमाचल का। अच्छा हिमाचल में, ये जो अपना नालागढ़ बद्दी का चंडीगढ़ का एरिया जो, अच्छा वहाँ से आ रहा है जी। बड़ा शानदार माल भाई ये। हाँ, माल बहुत बढ़िया है ये। तो बाहर की गाड़ियाँ क्यों नहीं आई भाई रतलाम मध्य प्रदेश? परसों वो था ना 22 तारीख को राम जन्मभूमि थी, त्योहार की वजह से माल पीछे कटिंग नहीं हुई। अच्छा जी, तो कल भी नहीं था मंडी में माल? कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो कल आएगा जी? हाँ कल आएगा। और परसों की तो फिर मंडी बंद है जी? परसों मंडी बंद है। अच्छा जी, अच्छा तो आज बस लोकल ही है जी। आज के वैसे क्या बाजार चले जी? राणा जी आज ये बिका है मान के चलो आप 60 रुपए से लेके 70 रुपए तक, 60 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो जी। अच्छा जी, तो रेड डायमंड मंडी में वो भी नहीं है जी? कोई कुछ भी नहीं है राणा जी, ना पिंक ताइवान रेड डायमंड कोई गाड़ी नहीं आई, कोई माल। अच्छा जी, अच्छा तो सारा सन्नाटा है जी? बिल्कुल राणा जी। अच्छा जी, अच्छा ये बस लोकल बिके जी, चंडीगढ़ के माल जी है जी। ठीक ठीक ठीक। और इसके अलावा एप्पल बेर वगैरह? एप्पल बेर वगैरह कुछ भी नहीं आया, बाकी लोकल आया था। हाँ जी, लोकल सवाई माधोपुर का जी। इसका कैसा बाजार चला जी? इसका राणा जी बाजार ठीक था, आज बाहर में उठाव था 5-5.1 रुपए का, 5 रुपए तेज था जी, 5 रुपए। तो क्या रेट चले जी इसके? मान के चलो 30 रुपए से लेके 35-37-40 रुपए तक बढ़िया माल, 30 से लेकर 40 रुपए तक, 40 रुपए तक के बढ़िया माल बिक गए जी सवाई माधोपुर के। इस ये माल भी कम था ज्यादा था जी? ये माल भी कम था फिलहाल। अच्छा जी, तो पहले पिछला बैलेंस सारा खत्म हो लिया? सारा बिल्कुल क्लियर है, अब जो भी माल है ये सब उठने को है। अच्छा जी, पूरी तरह से क्लियर। और थोड़ा बहुत सीताफल आता है जैसे पहले आ रहा था अपने यहाँ पर? अभी बिल्कुल बंद है। अच्छा जी, कुछ नहीं आ रहा जी अभी? कुछ शरीफा। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर 437 आजादपुर मंडी 8588005252 विशाल। अच्छा ये बताओ जी कल की उम्मीद कितनी है जी माल आने की? राणा जी कल की उम्मीद दो से तीन गाड़ी। अच्छा जी, वो भी इसलिए कि काम चल जाए मंडी जी, परसों की मंडी बंद है जी। परसों मंडी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लो जी दोस्तों, ये थे जी बस चंडीगढ़ का माल आया, देखो क्या शानदार माल है जी, ये हिमाचल के और लोकल आए, मध्य प्रदेश का कोई माल नहीं है जी। तो जान लेंगे जो 17 नंबर सेड है, 17 नंबर सेड में जहाँ पर ये किन्नू आते हैं, आज की क्या माहौल है, किन्नू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। चले जानते हैं बल्लू भाई साहब के पास जो किन्नू बेचते हैं 12 महीने का, 12 महीने नहीं जी सीजन है जी, अभी सीजन है किन्नू का, पहले संतरे का था, आज का कैसा बाजार लो जी, कमाल कर दिए जी, संतरा भी आ रहा पुराना संतरा अब तक जी, किन्नू भी। चलिए जान लेंगे बल्लू भाई साहब से, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी बाबू जी, क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब, बल्लू जी और सुनाओ जी, आज का कैसा भाई? ये संतरा कहाँ का है जी? ये संतरा राजस्थान का भवानी मंडी, ये पुराने वाला जी? हाँ जी ये पुराने वाला है। और नया नहीं करा जी शुरू? ओ भाई नया इनके कौन बेचेगा बाबू जी यार, तो नया ये पुराना ही है जी? ये पुराना वाला संतरा है। अच्छा जी, 41 दाना बेचा है 900 से 1000। अच्छा जी, और 96 दाना बेचा है 500, 600, 650। अच्छा जी, 71, 700, 650। अच्छा जी, हाँ वो लग रही पीछे गाड़ी। अच्छा जी, अच्छा संतरे की जी? हाँ संतरे की पीछे लगी है, लग रही जी। और किन्नू की कितनी गाड़ियाँ आ रही? किन्नू की गाड़ी बहुत है बाबू जी, गिनती में नहीं आ रही, 10-11 तो होगी। माल ज्यादा है जी इस समय जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, तो किन्नू के बाजार कैसे चल रहे? किन्नू बहुत बढ़िया बिक रहा है बाबू जी, किन्नू बिक रहा है बढ़िया 16, 17, 18। अच्छा जी, हाँ बस हाई रेट 20 रुपए है, जो ज्यादा वीआईपी माल है, वीआईपी माल सबसे लास्ट वाली गाड़ी। अच्छा, जो जहाँ पर आपके भाई साहब खड़े थे, अपने पास किन्नू की कितनी गाड़ी? 11 गाड़ी है भाऊ जी। फिर रेट कहाँ से उठेगा जब तू अकेला 11 गाड़ियां मंगा रहे जी? फिर भाई जी मंगानी तो पड़ेगी, क्या करें, किसान जुड़े हुए हमसे क्या करें। अच्छा जी, 11 गाड़ी है, एक आठ थी प्यार क्या करें। तो इस समय अराइवल फुल है जी? पूरी अराइवल है, 40 गाड़ी है मंडी में किन्नू की। अच्छा जी, हाँ जी, तो कब तक चलेगा भाई साहब जी ये? मानो आप अभी तो मार्च तक चलेगा। तो रेट की उम्मीद कब तक है जी? रेट तो फरवरी में उठेगा, अगर कुछ उठा तो 20-22 रुपए अगर हो गया तो फरवरी में हो गया, नहीं तो यही चलेगा 15-16-12। फसल ज्यादा है जी अभी? बहुत बम्पर फसल। अच्छा जी, चलिए जी धन्यवाद भाई साहब, दुकान का 1138 मोबाइल नंबर है 84 48 93 99 10। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये थी सारी किन्नू की पोजीशन, ये सारी किन्नू मंडी है जी, यहाँ बस माल के हिसाब से रेट है जी, और सारी मंडी की पोजीशन थी किन्नू और सीए संतरा जी भाई साहब के पास आया। चलिए जान लेंगे जो स्पेशल संतरा मंडी है वो सामने 18 नंबर सेड है, जहाँ पर दोनों की तरह के माल आते हैं, कच्चा भी और कभी कच्चा है नहीं, जो नए माल शुरुआत हो गए। इन भाई साहब के पास तो ये गाड़ी आई जो अभी खड़ी जी, गाड़ी तो सारी की सारी ये गाड़ी संतरे की, इसका रेट बताया जी ने पुराने संतरे का।
चलिए जानते हैं नए संतरे की कितनी गाड़ियाँ आई होगी 18 नंबर सेड में, आज के कैसे बाजार चले, क्या पोजीशन है जी? हेलो जी, 18 नंबर सेड है जी, यहाँ 18 नंबर सेड में फड़ नंबर, अब फड़ बन गए, जैसे पहले खंबे नंबर होते थे 661, 18 नंबर सेड में 661 नंबर खंबा। नमस्कार जी, धन गुरु नानक जी। चलिए जानते हैं आज की कितनी गाड़ी हैं, आज के कैसे कैसे बाजार चले। धन गुरु नानक जी, गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। बाबू जी कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं? राणा जी आज 11 गाड़ियाँ तो हमारे लैन की है, लैन की है, नए वाले। हाँ नए वाले जी। बाबू जी अब तो साइज तो बढ़ने लग गया जी, साइज तो बन रहा है, अगर अभी कम है। अच्छा, छोटा दाना ज्यादा आ रहा है ना, ये छोटे वाले, ये छोटे जो आ रहे हैं ये थोड़ी तकलीफ में बिक रहे हैं। अच्छा, फिर ये छोटे क्यों तोड़ रहे हैं? छोटे बाजी देखो, बगीचे के अंदर छोटा भी होता है तो मोटा भी होता है। अच्छा, तो वो जो बगीचा पूरा लिया जाता है तो उसको पूरा खटून करते हैं। साइज नहीं बना जी अब की बार? नहीं, साइज अभी बन रहा है मगर वो बनेगा पहली तारीख के बादों में, करीब पहली फरवरी के बाद में। अच्छा, तो जो संतरे आएंगे वो बढ़िया होंगे। तो कितनी गाड़ी? मगर आज भी जो संतरा अगर खा रहे हैं, मैं भी बैठा दो संतरे खा गया। अच्छा, संतरे खाने में बहुत मीठे हैं। हाँ, मिठास फुल। 11 गाड़ियां बताई जी बाबू? 11 गाड़ियां नवे की, दो गाड़ियां पुराने की। पुराना तो बस एंड हो गया, पुराना एंड तो हो गया, मगर फिर भी अब सस्ते के कारण लोग जा रहे हैं। अच्छा, जैसे किन्नू सस्ता है ऐसे वो सस्ता है। अच्छा, तो ये थोड़ा इनके रेट बता दो, इनके रेट, इनके रेट भी काफी डाउन है, सिर्फ ग्राहक होना चाहिए, ग्राहक नहीं है। अच्छा, ठंड के कारण जो है ना, जो सवेरे धूप नहीं निकल रही। अच्छा जी, मतलब इतनी ठंड होती है, जो ग्राहक कहाँ से आएगा, और 5 बजे 6 बजे के बाद जो ठंड पड़ती है वो रेडी वाला भी कहता है यार बंद करो और भागो। तो कल कल का दिन है, परसों मंडी बंद रहेगी जी? परसों मंडी तो 26 जनवरी की मंडी तो लगभग बंद ही है। अच्छा जी, बंद के मुताबिक होती है। अच्छा, मगर कोई किसी का माल रह जाता है या कुछ है वो अपना चलाता है। फिलहाल तो 26 जनवरी को यहाँ माल ना हो तो अच्छा है। आज का रेट बता दो जी बाबू। आज के रेट जो है 41 के है, 1300 रुपये से लेके 2000 रुपये तक। अच्छा जी, 1800, 1700, 1600, 1500 ये तो आपके 41 के हैं, वो भी अदरवाइज बिक जाए तो। अच्छा, अगर जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कलर पूरा है, मतलब ऊपर की तह में वैक्स वाले, वो बिक रहे हैं मतलब 2200-2300 रुपये। अच्छा जी, वो संतरे बिक भी रहे हैं, वो मांग भी रहे हैं। अच्छा, उसकी डिमांड भी है। जैसे परले वाला जी है, अब ये 171 दान है। हाँ जी, 171 जो है अब इस टाइम जो है 1000 रुपये से लेके 1300 रुपये तक। अच्छा जी, और वो कितना जी है? और ये 215 दाना और 205 दाना। हाँ जी, 205 दाना बिक रहा है जी 700-800 रुपये, 850-800 रुपये। अच्छा जी, और जो ये 215 दाना है वो हम मांग रहे हैं 400, मगर हमारे हाथ के अंदर कोई 300 भी कहेगा तो हम कहेंगे उठा लो। तो वजन इस समय तो 25 किलो वजन अच्छा है, वजन अच्छा है, 25 किलो। किन्नू थोड़ा सस्ता है ना, तो इसलिए जितने भी तो बड़ी बुरी हालत होगी भाजी, किन्नू जितना भी है जूस में जा रहा है। अच्छा जी, और बाजार के अंदर भी ये यहाँ से लेके जा रहे हैं 3-4 रुपए, वो 15-20 रुपए बेच रहे हैं, संतरा करके बिक रहे हैं। अच्छा जी, और वो लाल है तो इसलिए वो लोग ये नहीं समझते कि वो किन्नू है या संतरा है। अच्छा, वो संतरा आवाज़ देता है, वो कहते हैं दे दे यार 3 किलो। अच्छा, इस रेट में क्या खाता है, तो वो 50 रुपये में 3 किलो लेके घर जा रहा है, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। अंदर 35 रुपये से लेके 50 रुपये के रेट है किलो के। हाँ जी, बागों में। अच्छा, तो उस कारण यहाँ पर आरती भी खींच खींच के बैठा हुआ है कि यार इस रेट के अंदर वारा ही नहीं है। 15 रुपये किलो का खर्चा पड़ जाता है। हाँ जी बिल्कुल, कम से कम पड़ेगा। अच्छा जी, क्योंकि इसका भाड़ा ही भाड़ा 100 रुपये है। अच्छा, जो क्रेट साथ में। हाँ, तो क्रेट अलग है, क्रेट 105 रुपये का, 100 रुपये का है वहाँ पर। अच्छा जी, तो 200-250 तो यही खर्चे आ जाते हैं, अभी मजदूरियाँ लगेंगी ये तो 350 रुपये क्रेट का खर्चा बैठता है। ठीक है, अब 350 रुपये क्रेट का बैठता है तो भाई व्यापारियों कहाँ भा रहा है। 9811-11717 किसी भाई को अगर संतरे की डिमांड हो या ऑनलाइन पे हमसे मंगा रहे हैं तो आप मेहरबानी करके रेट आपको जायज़ लगेगा, संतरा एक बार मंगा के देख लीजिए। जो बाहर भेजते हैं, जो बढ़िया संतरे क्वालिटी के हम आपको बना के जाएंगे। हाँ जी, जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो 2000 रुपये। अच्छा, समझ के चले। मेरी बात तो सुनो बाबू जी, जैसे कोई आपसे ऑर्डर पे मंगाएगा 50 क्रेट 100 क्रेट बाहर के लिए। हाँ जी, तो उनकी ग्रेडिंग करके भेजोगे? उनकी ग्रेडिंग करके भेजेंगे, कोई 19-21 दाना होगा वो निकाल देंगे। अच्छा, दूसरा दाना डाल देंगे, एक आधा क्रेट हम खाली कर देंगे। अच्छा, खाली क्या करेंगे, उसमें जो 19 होगा वो हम 2 नंबर का निकाल देंगे।
अच्छा जी। उससे क्या है कि आपको वहाँ पर ढेरी करने में आसानी होगी। अच्छा जी। तो इसलिए मेहरबानी करके, और संतरे मीठे हो गए, आप एक बार मंगा के देख लीजिए, संतरे के रेट जायज ही लिखते हैं, हम फालतू नहीं लिखते। नहीं जी, आपको तो इतिहास है जी, पहली गाड़ी है, आपने सब को फ्री पर लगाया। नहीं जी, रेट तो हम नाजायज किसी का भी नहीं लिखते, ताकि वो कमाए और हमारे पास चलता रहे। भाई हमारे भी तो बच्चे वहीं से पलेंगे, फालतू लिखेंगे दूसरे दिन ऑर्डर नहीं देता, इसलिए नाजायज नहीं लिखना, कारोबार ढंग का करना है। धन गुरु नानक जी, जो भी वीडियो राणा का देखे, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों को भी बड़ों को भी धन गुरु नानक जरूर बोला करें। धन गुरु नानक। दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का नारियल पानी का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट चले, कितनी गाड़ियां आई मंडी में, कहां कहां के माल आए। नमस्कार भाई साहब जी। जगदीश भाई साहब जी, बिक्री कैसी चल रही जी माल? मौसम के हिसाब से बिक्री बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, मौसम के हिसाब से बिक्री बहुत बढ़िया है। आग सेक रहे हैं? आग सेक रहे हैं। अच्छा जी। एक गाड़ी दो दिन में खाली करता हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, आराम आराम। तो मंडी में बिक्री ठीक चल रही जी? वैसे बिक्री तो डाउन है सर। अच्छा जी। हाँ जी, माल भरपूर है? माल सही है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज अपनी गाड़ी कहाँ की आ रही जी भाई साहब? ये बेंगलोर का है माल। अच्छा जी। ये सामने ये पन्नी का रेट हमारे पास 30 रुपए का है, 10 दाने की पैकिंग। 300 रुपए की? 300 रुपए की एक पन्नी। और ये जो परचून का? ये परचून का हमारे पास 34 रुपए का है। ये 34 रुपए? हाँ जी। और जो इसका नंबर दो भी करा जी? नंबर दो का हमारे पास है 20 रुपए का। वो 20 का? और जो और लाखों की गाड़ियाँ आ रही जैसे बेंगलोर से अलग, तभी माल सबके बढ़िया आ रहे हैं। अच्छा, हल्के माल बिकी नहीं रहे मंडी के अंदर। अच्छा जी। माल पूरी मंडी में सबके माल बढ़िया आ गया। अच्छा जी। एक गाड़ी भी दो दिन के अंदर बिक रही है? हाँ, दो दिन के अंदर बिक रही है। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जब सर, हमारा मोबाइल नंबर है 9999000235। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए दोस्तों, जानते हैं भाई साहब के पास ये खुला किन्नू आता है, खुली गाड़ियां किन्नू की, जो जूस वाला किन्नू है। और इनके पास आता है दोस्तों आम, ये जो डब्बों में कच्चा आम आता है, जूस वाला जो चलता है। चलिए जानते हैं इसकी क्या पोजीशन है, कितनी गाड़ियां आ रही, क्या क्या रेट है। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी। बाबू जी कैसे हो जी? बढ़िया राणा जी। लोकल कितना आ रहा जी किन्नू, जो खुली गाड़ियां? ये 10-15 गाड़ी आ रही है जी आजकल डेली मंडी में जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, तो बाजार कहाँ से कहाँ तक? बाजार आजकल बहुत डाउन है जी, व्यापारियों के पैसे भी नहीं बन रहे। अच्छा जी। बाजार है जी 2 रुपए से लेकर 6-7 रुपए तक। अच्छा जी। और जो बढ़िया छांट के लेगा जी, कोई जो बढ़िया छांट के एक नंबर उसको निकाल के देंगे, उसका रेट है जी 10-11 रुपए। 10-11 रुपए यही रेट? हाँ जी, हाँ जी। यही बढ़िया माल है ये परचून के मतलब का भी है। जूस में चलने का जी? जूस में भी चलेगा, परचून वाले भी ले जा रहे हैं आजकल, जूस वालों की सेल कम है ना जी। अच्छा जी। तो इस वजह से परचून वाले ले जा रहे हैं ये। अच्छा, रेडी पे बिक जाएगा? हाँ बिक रहा है जी, रोज लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। रोज जी, आज का उसका जो आम है जी, आम की पे? हाँ जी, आम का जी। आज मैं आपको आम भी दिखाता हूँ। अच्छा जी। ये देखिए, ये ना ये 2 रुपए किलो का चल रहा है जी, ये वाला है सर। हाँ, 2 से 2.5 रुपए। अच्छा जी। तो गोदान है जी बस? हाँ जी। और ये जो है ना जी, ये अपना चल रहा 6-7 रुपए। अच्छा जी। और ये आम का रेट है जी 1000 रुपए। आम का रेट 1000? 1000 रुपए। वजन होगा लगभग 7.5 किलो। ये सफेदा आम है जी। अच्छा जी। अपना आपका मोबाइल नंबर? हाँ जी, मेरा फर्म का तो वो है जी। अच्छा। मेरा नंबर लिखिए आप 8826519541। दोबारा बोल दो जी। 8826519541। काका नाम है जी मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और राणा जी, चलिए दोस्तों जान लेंगे आज का मौसमी का भी क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। भाई साहब के पास जो मौसमी आई, कहाँ की मौसमी है जी, क्या रेट चल रहा है, और कितनी गाड़ियाँ आ रही मंडी में मौसमी की, नई पुरानी कैसी पोजीशन है? बहु जी नमस्कार जी। मौसमी के हालात, ठंड हो रही है जी बहुत, बाहर भी जो है जहाँ जहाँ मौसमी जाती है सब तरफ ठंड है। आग सेक रहे हैं बैठे। माल बिक रहा है, थोड़ा थोड़ा बिक रहा है, 3 नंबर का 3 नंबर बिक रहा है 23-24 रुपए तक। ये 4 नंबर है जी। अच्छा, इसका है जी 12-13 रुपए। अच्छा, और ये 3 नंबर है जी, इसका 23-24 रुपए। और जो 2 नंबर जी, वो जो नंबर है जी 27-28 रुपए तक चलने की। अच्छा, एक नंबर तो निकल रहा होगा जी अभी? एक नंबर भी निकल रहा है, वो भी यही भाव बिक रहा है जी। अच्छा, मतलब वो भी थोड़ा थोड़ा कोई 1-2 कट्टे 10 कट्टे 15 कट्टे। अच्छा, अभी इस तरह बिक रहा है, एक गाड़ी 4-4 दिन में गाड़ी खाली होती है। अभी तो आपकी दुकान मौसमी का एक भी ग्राहक? हाँ जी, अब ऐसा ही है, देखिए अभी अभी धूप निकली है, ये तो ऑर्डर पे थोड़ा थोड़ा जा रहा है। अच्छा, सुबह वो बिक रहा है। 5 गाड़ियाँ हैं आज ताजी हमारी, जिसमें एक है। अच्छा, और बाकी 5-6 बैलेंस हैं। अच्छा, हाँ पूरी बिक नहीं पा रही ये गाड़ियाँ।
अच्छा, अभी जो है ना अगर ठंड की वजह से माल की डिमांड कम है तो समझ लो कल का दिन है बिकने का इसका, फिर परसों की तो मंडी बंद है, परसों बंद मंडी बंद है, फिर शनिवार बिकेगा। अच्छा जी, देखते हैं खुलेगा ये जब तक मौसम नहीं होगा खुलेगा, ओपन नहीं होगा। असली तो समझ लो फरवरी में ही खुलेगा जी, फरवरी में ही जाके काम चलेगा। अच्छा, कुछ नहीं है, ऐसा ही चल रहा था। दो दो दिन लग जाते हैं गाड़ी में? हाँ जी, दो दो दिन लग जाते हैं। अब गाड़ी आ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं तो दो दो दिन लग जाते हैं, छोटी भी हो जब भी दो दिन लग रहा है। अच्छा, इसलिए जरा परेशानी आ रही है। फिर जैसे गाड़ी खड़ी रहेगी भाड़ा तो मिलेगा जी गाड़ी वाले को? भाड़ा ही भाड़ा मिलेगा, वोल्टेज क्या मिलेगा, क्या खाली क्यों नहीं होती गाड़ी सबकी, हमारी क्या सबकी गाड़ियाँ ऐसे ही चल रही है। अच्छा जी, ये है उनको भी बेचारे परेशान है कि गाड़ियाँ खाली नहीं हो रही, क्या करें, कहाँ फेंकेंगे, बस 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 इसलिए। धन्यवाद भाऊ जी, दुकान का एड्रेस? शहजाद, दुकान का नाम है C559, दुकान नंबर है 9811386591, फोन नंबर। ठीक है राणा जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों जानते हैं आज का दिल्ली जादवपुर मंडी में तरबूज का क्या बाजार चला, तरबूज की कितनी गाड़ियां आई मंडी में, आज की क्या पोजीशन है, माल कहाँ कहाँ गया है, चलिए जानते हैं शेरे भाऊ जी से। भाऊ जी नमस्कार जी। राणा जी जय श्री राम, जय जवान जय किसान जाग गया हिंदुस्तान। राणा जी गाड़ियाँ की तो गिनती मत करवा, 40 से ऊपर ये कम नहीं है। इतनी गाड़ी भाई ये पता क्या हुआ है? हाँ जी। राम भगवान जी के मंदिर में आने की खुशी में जो गाड़ियाँ आई ना वो सबने रोक दी। अच्छा, किसी ने बेची नहीं, कोई भगवान जी राम जी का भंडारा करा रहा था, कोई कुछ करा रहा था, कोई कुछ करा रहा था। अच्छा, सारे लग गए राम जी के चक्कर में। अच्छा, श्री राम के चक्कर में इसलिए गाड़ियाँ हो गई ब्रेक। अच्छा, इसलिए मंदा घोर मंदा हो गया। अच्छा, तरबूज आज लूज का बता रहा हूँ मैं, 16 रुपए से लेकर और 22 रुपए तक 23 रुपए तक है लूज में। कहाँ क्या है ये भाई? आंध्रा की गाड़ी बहुत बढ़िया है, ये सब महाराष्ट्र की गाड़ी है, ज्यादातर महाराष्ट्र है, आंध्रा एक दो है। अच्छा जी, अच्छा, और सुनाइए कौन सा जिसमें इस समय आंध्रा के? यही देखो ना माल, देखो क्या हीरा है। अच्छा, पर इसका हो गया जकीरा है। अच्छा, तो सबको खाने को मिल रहा है जी, लोग आप भी खाओ। अच्छा जी, इसलिए मंदा है। इसके क्या रेट चल रहे जी? ये भाई आया नहीं माल ज्यादा, वही 200 रुपए 150 रुपए 250 रुपए बस। अच्छा जी, और आज बॉबी सबूत जो मंडी में आ रहा है बॉबी भाई 300 रुपए से 350 तक बिक रहा है, 350 तो माल बिक जाएगा जी आज ये भाई अभी देखो 26 तारीख भी है। अच्छा जी, 26 जनवरी में अगर पीछे मार ब्रेक हो गया तो बिकी जाएगा, नहीं होता फिर ये रास्ते ही चलता रहे। आज की है कल बिकेगा, आज और कल है, परसों को तो मंडी बंद आ जाएगी 26 जनवरी की। हाँ जी, मंडी बंद तो रहनी है, 26 गणतंत्र दिवस है वो भी। हाँ जी, पूरे भारत का मोदी जी महान है और जब ही हिंदुस्तान है। क्या बात है राणा जी, मोबाइल नंबर जी? मोबाइल तो शेरा भाई का पुराना ही है, बताने की जरूरत नहीं है, 93-111-86-676 शेरा भाई तरबूज वाले, व्हाट्सएप नंबर मैंने बदल लिया एक। अच्छा जी, अब 95-82-22-69। अच्छा, धन्यवाद शेरा भाई तरबूज वाले।